जब भी आपको लगे कि भाई ऐसा न हो कि इस तरह का सेंटेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, हम बोलते हैं कि जल्दी करो कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, तो आप क्या याद रखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जल्दी करो, कड़ी मेहनत करो, छाता ले लो, ज़्यादा मत बोलो, और ये सब देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का जब भी सेंटेंस होगा तो हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट वर्ब से शुरू करेंगे। जैसे मान लो कि जल्दी करो तो हरी अप, या फिर मेक हैस्ट भी बोलते हैं, कड़ी मेहनत करो तो वर्क हार्ड बोल सकते हैं, तो ये डायरेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस हो कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें लिस्ट का यूज़ करेंगे, लिस्ट और प्लस सब्जेक्ट और प्लस शुड का प्रयोग करेंगे, शुड, और उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी जरूरी है वो फिर आगे होगा। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हरी अप, हरी हरी अप बोलना है, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, मेक हैस्ट भी बोल सकते हैं जल्दी करो के लिए। और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, तो हम करेंगे लिस्ट और यू, क्योंकि यू सामने वालों को बोल रहे हैं कि जल्दी करो कैसा ना कि गाड़ी छूट जाए, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लिस्ट यू, और इस तरह के जब भी सेंटेंस हो तो शुड का प्रयोग जरूर करेंगे। लिस्ट का जब भी यूज़ करें तो शुड का प्रयोग जरूर होगा, याद रखेंगे। तो लिस्ट यू शुड, और हम लिखेंगे मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन, लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। ऐसा उसके बाद क्या है कि कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो कड़ी मेहनत करो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्क हार्ड, हम लिखेंगे वर्क हार्ड, बस कड़ी मेहनत करो तो वर्क हार्ड हो गया। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, किससे बोल रहे हैं, सामने वालों को बोल रहे हैं, यू सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लिस्ट यू, और फिर यहाँ पर शुड का प्रयोग जरूर करेंगे, तो लिस्ट यू शुड फेल, लिस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। लेकिन वही यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे कि छाता ले लो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में भींग जाओ, तो छाता ले लो को हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो कहीं ऐसा ना हो कि, तो हम लिस्ट का प्रयोग करेंगे, लिस्ट और यू शुड, लिस्ट यू शुड, और हम लिखेंगे गेट वेट और इन द रेन, इन द रेन। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इसमें सिर्फ ये है कि हम इसमें लिस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, और बाद बाकी तो आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक टू मच, हम लिखेंगे डोंट स्पीक टू मच, हम किसी को गुस्सा में बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक टू मच, ज़्यादा मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि पिटाई खा जाओ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू शुड, लिस्ट यू शुड, और पिटाई खाना का हम लिख सकते हैं कि गेट बीटन, गेट बीटन, कहीं ऐसा ना हो कि पिटाई खा जाओ, तो डोंट स्पीक टू मच, लिस्ट यू शुड गेट बीटन, कहीं ऐसा ना हो कि पिटाई खा जाओ। और इस तरह का सेंटेंस देखेंगे तो बिल्कुल ईजी है, और लेकिन जानना जरूरी है। जैसे देखेंगे यहाँ बैठे रहो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ बैठे रहो मतलब किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है, तो आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से जो ज़्यादा बोला जाता है स्पोकन में, तो हम कीप का प्रयोग सभी में कर देंगे। मान लीजिए हम कहते हैं कि यहाँ बैठे रहो, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे कीप सीटिंग हियर, कीप सीटिंग हियर, यहाँ बैठे रहो, कीप सीटिंग हियर, यहाँ बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स, कीप सिटिंग हेयर, आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स, या पर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो आप इससे अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम जस्ट कमिंग विद इन 2 मिनट्स, कुछ भी जो आपको लगे इंपॉर्टेंट आप आसान तरीके से बोल सकते हैं बोलेंगे। तुम पढ़ते रहो और शिक्षक आ ही रहे होंगे, तुम पढ़ते रहो कैसे होगा, बोलिए तुम पढ़ते रहो, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर शिक्षक आ ही रहे होंगे, फिर क्या होगा, द टीचर, द टीचर,
और आ ही रहे होंगे के लिए क्या होगा, मस्ट बी कमिंग, मस्ट बी का यूज कर सकते हैं। मस्ट बी कमिंग का मतलब है कि टेम्प्रोरी पॉसिबिलिटीज को बता रहे हैं कि अभी जस्ट कोई काम हो रहा होगा, तो मस्ट बी और प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये सेंटेंस है जैसे जब दुखी रहो तब गाना सुनते रहो, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे गाना सुनते रहो, गाना सुनते रहो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कीप का यूज करेंगे, कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुनते रहो। कब, व्हेन, व्हेन यू आर सैड, यू आर सैड, जब तुम दुखी रहो, मतलब हुए नहीं यू आर सैड, एक सिचुएशन कंडीशन को बता रहा है कि जब तुम दुखी रहो तो फिर गाना सुनते रहो। उसके बाद क्या है, कठिन परिश्रम करते रहो, आप जरूर सफल होंगे। तो हम क्या करेंगे, कठिन परिश्रम करते रहो के लिए कीप का यूज जरूर करेंगे, कीप वॉकिंग हार्ड, कीप वॉकिंग हार्ड, कीप वॉकिंग हार्ड, कठिन परिश्रम करते रहो, है ना, कठिन परिश्रम करते रहो आप जरूर सफल होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यू मस्ट बी सक्सेसफुल, यू मस्ट बी सक्सेसफुल। रूल नंबर 3 में देखेंगे कि जैसे मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं, सजेशन लेने के लिए हम बोल रहे हैं। तो जब भी सजेशन की बात हो, जब भी किसी से सुझाव लेने की बात हो, तो आप क्या करेंगे, आप शुड का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी से आपको सलाह लेना हो, सुझाव लेना हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मुझे बताओ मैं क्या करूं, इसके कुछ टेक्निक है, जो ट्रिक है उसे समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं मुझे बताओ, तो हम टेल मी तो बोल सकते हैं, टेल मी बोल सकते हैं, हम चाहे तो सजेस्ट मी भी बोल सकते हैं, चलिए, लेकिन टेल मी सभी लोग बोलते हैं, वेरी कॉमन वर्ड है, चलिए तो टेल मी बोलेंगे, टेल मी। और मैं क्या करूं, सजेशन ले रहा है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है बल्कि सजेशन चाह रहा है। तो टेल मी, और हम पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू एच का यूज करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और तब क्या होगा, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड डू, टेल मी व्हाट आई शुड डू, मुझे बताओ मैं क्या करूं। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हाट शुड आई डू, सिर्फ रहे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू हम बोल सकते हैं। लेकिन जैसे दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू एच और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद भी कोई वर्ब होगा। और इसी तरीके का ये सेंटेंस देखते हैं कि मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, तो हम सभी में टेल मी का प्रयोग करेंगे, टेल मी, टेल मी मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, और कहाँ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर, वेयर आई शुड गो, वेयर आई शुड गो, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, वेरी सिंपल है। हम टेल मी इसमें भी लिखेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों को बस जुबान पर रखना है कि टेल मी, और उसके बाद डब्ल्यू एच, तो हम क्या करेंगे, हाउ शुड, और मदद करूं है, मदद करूं, देखिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे मदद करूं, तो टेल मी हाउ आई शुड हेल्प यू, हेल्प यू, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि तुम्हें बताओ कि उसे कैसे मनाओ, मतलब क्या है, तुम्हें बताओ कम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी है कि टेल मी, मुझे बताओ, तुम्हें बताओ, कुछ भी का मतलब मुझे बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टेल मी और उसे कैसे मनाओ, हाउ आई शुड, हाउ आई शुड परसुएड हिम, परसुएड, परसुएड मींस होता है मनाना, पी ई आर एस यू ए डी ई, परसुएड हिम का मतलब है कि मनाना, किसी को राजी करना। तो टेल मी हाउ आई शुड परसुएड हिम, मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे मनाऊं। तो चलिए आज का सवाल क्या देखते हैं, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, या फिर ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो संभल कर चलो के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, तो वाक प्रॉपरली बोल सकते हैं, मैंने आपको हिंट्स दे दिया है। और ऐसा ना हो कि गिर जाओ, तो लिस्ट का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो यू है, तो हम इसे कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, आप कमेंट कीजिए, आंसर लिखिए, हम आपके एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं, तो ज़रूरी है कि आप आंसर जरूर दीजिए। तो हम देखते हैं कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, तो तुम गिर जाओ या फिर गिर जाओ, कुछ भी, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अभी लिखे, अभी लिखे, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।